जिंदाबाद 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 भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जिंदाबाद 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 भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जिंदाबाद 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 बोल 85 जय मूल निवासी बोल 85 जय मूल निवासी बोल 85 जय मूल निवासी भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जिंदाबाद 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 नौवा राज्य अधिवेशन उत्तर प्रदेश में संपन्न हो रहा है, जो आज इधर फैजाबाद में संपन्न हो रहा है, इस वजह से इधर कार्यक्रम लगे हुए हैं बहुत सारे। सर, अभी देखा जा रहा है कि बहुजन युवाओं को, खास करके देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, इसको लेकर आपका संगठन कुछ करेगा आगे? इस पर हम लोग एक बड़ा प्लान बना रहे हैं, जल्दी उसकी घोषणा कर दी जाएगी बड़े पैमाने पर, चूँकि एक बेरोजगारी एक बड़े षड्यंत्र के तहत करी जा रही है। जैसे अब एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्तियाँ हो रही हैं, तो अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो आखिर में जब पदे खाली हैं, जब पदे हैं आपके पास, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्ती करने का क्या मतलब है? पहला मतलब। दूसरा, अभी जिस प्रकार से विश्वविद्यालयों में अभी ये भी मामले अभी चल रहे हैं कि विश्वविद्यालय में हम प्रोफेसर वीर लाने वाले हैं, और स्पेशल लोगों को अभी पहले प्रोफेसर बनने के लिए आपको नेट और पीएचडी होना ज़रूरी होता है, लेकिन अभी ये बात कही जा रही है कि अब हम विश्वविद्यालय में जिनकी नियुक्ति करने वाले हैं वो स्पेशली एक जगत से आएंगे, जिनको स्पेशल उनको 15 साल का जो अनुभव है, ऐसे लोगों को हम विश्वविद्यालय में लेने का काम करेंगे, पहली बात का। दूसरी बात कहते हैं कि हम उसी विश्वविद्यालय में ऐसे प्रोफेसर भी रखेंगे जो मात्र 3 से 4 साल के लिए काम करेंगे, तो ये बड़ी पैमाने पर बेरोजगारी का संकेत ही है, और ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो SST OBC जो हमारे समाज के जो लोग हैं, इनको कैसे वो जो शैक्षणिक जो संस्थान है उससे कैसे उनको बाहर किया जाए, जो नौकरियां कैसे उनको बाहर किया जाए। जैसे अभी मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार से बात कही जा रही है कि जो 15% जो 15 साल का जिसके पास एक्सपीरियंस हो उसको हम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाएंगे, तो बहुजन समाज के लोगों का कौन सा स्पेशलाइजेशन होगा? मुझे तो बात समझ में नहीं आती। इसका मतलब ये जो ब्राह्मण जाति के जो लोग जिनका विश्वविद्यालयों पे कब्जा है, अपने समाज के लोगों को उधर लाना चाहते हैं, और शिक्षा का किस तरीके से निजीकरण करना है, शिक्षा को कैसे उनको ख़त्म करना है, इस पर वो बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। सर, अभी देखा जा रहा है कि आप बाम सेफ के आपसे उठी हैं, देखा जा रहा है कि देश भर में बाम सेफ के कार्यक्रम को रोकने का काम किया जा रहा है। अभी कई जगह अभी हाल ही में 18 तारीख के कार्यक्रम को रोका गया आदिवासियों का, जो बाम सेफ आपसे उठी है, कहीं आपका भी कार्यक्रम आगे चल के रोका जा सकता है, क्योंकि जिस तरह देश भर में आपके ही कार्यक्रम को रोका जा रहा है, तो इसको लेकर आप लोगों को प्लान किया है? उसके लिए भारतीय विद्यार्थी मोर्चा चलाया गया। अभी जिस प्रकार से अभी कानपुर में बाम सेफ का राज अधिवेशन था, और एक ब्राह्मण, मैं हूँ ब्राह्मण महासभा का व्यक्ति आया, और चूंकि उधर पुलिस प्रशासन के सारे ब्राह्मण थे, और संविधान के विरोध में जाकर के, चूंकि संविधान में हमको कार्यक्रम करने का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है, हमको सारे अधिकार दिए गए हैं, और मौलिक अधिकार का हनन करते हुए संविधान के विरोध में जाकर के उस कार्यक्रम को रोकने का काम किया गया, तो ये संविधान को विरोध में काम कर रहे हैं। अगर संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं तो अभी हम लोगों ने RSS के हेडक्वार्टर पे एक थोड़ी सी झलक मात्र दिखाई है, बड़े पैमाने पे हम लोग भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के माध्यम से विद्यार्थियों को कलेक्ट करने का काम कर रहे हैं, उनके बीच में जाने का काम कर रहे हैं, तो अगर विद्यार्थी मोर्चा का कार्यक्रम रोकने का अगर यदि वो लोग प्लान करते हैं, तो अभी विद्यार्थी फिर सड़क पर आने वाला है। अभी वो स्थिति नहीं रह गई है कि आप बोलते रहो हम डर के मारे घर में चले जाएं, अभी वो स्थिति खत्म हो गई। जैसी भी लड़ाई अगर वो लड़ना चाहते हैं, हम लोग तैयार हैं। हम लोग ये जो खून है इसमें दौड़ रहा है, ये भीमा कोरेगांव में हमारे महापुरुषों ने, भीमा कोरेगांव में जो हमारे वीर योद्धाओं ने जो लड़ी थी, उनका खून इसमें दौड़ रहा है, तो ये गर्मी शांत नहीं हुई है, सबक उनको भी सिखाने का काम करेंगे, चाहे जिस असर को लड़ाई लड़ना चाहते हैं। अभी देखा जा रहा है 22 प्रतिज्ञा को लेकर पूरे देश में काफ़ी बवाल मचा हुआ है, सोशल मीडिया आपने भी देखा होगा, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक सब जगह पर है। अभी देखा जा रहा है कि अयोध्या से काफ़ी खबर गई कि जो राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, उनका सर कलम करने पर 50 लाख का इनाम रखा हुआ है, इसको लेकर आपको क्या? ये जो बातें हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया की बात है। अभी अगर मान लीजिए राज्यपाल गौतम जी ने इतना बड़ा बयान दिया और आकर के 22 प्रतिज्ञा दिया, ये तो हमारा कानून अधिकार दिया हुआ है, हम कौन सा धर्म अपना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर किसी को हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं।
दुश्मन अभी जिस प्रकार से माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में पूरे देश भर में जो जन आंदोलन करने के लिए जो विचारधारा हमारे महापुरुषों की विचारधारा फैलाई जा रही है, इस विचारधारा से अभी सारे जो बहुजन समाज के जो लोग हैं एकत्रित हो रहे हैं, और ये एकत्रित होने के डर से ब्राह्मण सिर्फ बोलता है करता नहीं, तो वो धमकी सिर्फ उसी के पास रहे। अभी एक और बात बताते हैं, वो शायद आपके पास ध्यान में हो, जब माननीय वामन मेश्राम साहब का कार्यक्रम जब कानपुर में रोका गया था, एक ब्राह्मण ने धमकी दिया था कि मैं वामन मेश्राम को मारना चाहता हूँ। वामन मेश्राम साहब ने जवाब दिया कि मैं तुमको पता, तू अपना पता भेज, मैं उधर आता हूँ। उसके बाद उसका कोई पोस्ट नहीं है। ये ब्राह्मण भी अभी डरे हुए, जान गए हमारी शक्ति, अभी ब्राह्मण क्या करते। लेकिन अभी हिंदू आर्मी नाम का संगठन है, उसने कहा कि जैसे PFI बैन किया गया, PFI को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया, क्योंकि उसको पाया गया कि आतंकवादी गतिविधियों में लीन है। भीम आर्मी और बामसेफ जैसे संगठन को भी बैन करने की मांग कर रही है भीम हिंदू आर्मी, इसको लेकर आप अभी देखिए ये ऐसा संभव है नहीं होकर। दूसरी बात, अगर मान लीजिए उसने कुछ बदमाशी करे, हमारे महापुरुषों की विचारधारा भी फैल चुकी है गाँव में। एक उदाहरण अभी इसके पहले भी बताना चाह रहा हूँ, आज तक जितने भी सड़कों पर उतर करके जो विरोध प्रदर्शन हुए हैं या SC ST के खिलाफ OBC के खिलाफ अगर भड़काने के किसी काम किया गया है, तो हमारे समाज के लोगों को हमारे समाज से ही भड़ाने के काम किया जा रहा था। यानी जब यदि SC अगर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है तो OBC को खड़ा कर दिया जाता था, लेकिन बहुजन महापुरुषों की विचारधारा इतनी तेजी से लोगों के पास पहुंच रही है, वामन मेश्राम साहब के माध्यम से जो वामसेवक संगठन काम कर रहा है इतनी तेजी से फैली हुई है कि ब्राह्मण अभी किसी भी व्यक्ति को उनके सामने खड़ा नहीं कर पाता है, वो ब्राह्मण खुल करके कुदा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कमजोर हो चुका है, वो बोलते रहे सामने वो भी आने वाला नहीं है, उसके अंदर वो डर व्याप्त है, वो अभी कुछ करने वाला नहीं है। आप युवाओं और बेरोजगार मोर्चा के जो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा है उसके जो राष्ट्रीय लेवल पर सबसे बड़ा संगठन है विद्यार्थी मोर्चा बहुजनों का, उसको लेकर बहुजन विद्यार्थियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए एक तो जो बातें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से एक बात हमको सीखनी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक बात कहते हैं शिक्षित हो संगठित हो संघर्ष, तो उसमें जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही कि शिक्षित, यानी अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को देखा जाए एक तरफ करें शिक्षित हो यानी शिक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो अपना गुरु बनाया वो पढ़े लिखे नहीं थे। ज्योतिराव फुले पढ़ाई क्या थी? अच्छा सातवें पास। बुद्धा की पढ़ाई जान सकते हैं, ज्योतिराव फुले की पढ़ाई, कबीर साहब की जो पढ़ाई है, कबीर साहब खुद कहते हैं मसी कागज छुओ नहीं कलम कहीं नहीं यार, यानी बुद्धा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन पढ़े जो अनपढ़ जो लोग थे अगर इनकी पढ़ाई लेकर कितना बड़ा काम करते उनको गुरु मानते, इसका मतलब बाबा साहब समाज को बताना चाहते थे ये जो सामाजिक एजुकेशन ये सोशली जो एजुकेशन है हमारे समाज के लोगों के बीच पहुँच जानी चाहिए। मैं अपने समाज के विद्यार्थियों से युवाओं से अपील करना चाहूँ, अभी आपको अपने महापुरुषों से सीखते हैं, आपके महापुरुषों ने जो काम किया हुआ है जो ये जो पॉलिसियाँ बनाई समाज से आपको सीखने की जरूरत है। अभी हमारे समाज में लोगों को सामाजिक इतिहास की जानकारी पहले नंबर पर, हमारी इतिहास के हमारे महापुरुषों की इतिहास की जानकारी बड़े पैमाने पर हो जानी चाहिए, और जितने भी बहुजन समाज के जो विद्यार्थी ये एक जो कामन जो मुद्दा है जो हमारे समाज के हमारे महापुरुषों ने शिक्षित करने का काम किया था और दुश्मन शिक्षा से कैसे दूर खत्म कर रहे हैं हमारे समाज के लोगों को, तो इस षड्यंत्र को समझ करके सभी साथियों के एक मंच पे आना होगा, और एक मंच पे आकर के जिस प्रकार से एजुकेशन पॉलिसी हमारे विरोध में बनाई जा रही है, तो एक मुखर होकर एक बात हम अपने एकजुट होकर के एक बात हम अपने कह सकते हैं, उनका विरोध कर सकते हैं बड़े पैमाने पर। बहुजन समाज के सभी विद्यार्थियों से अपील करना चाहते हैं, अभी आपको जरूरत है एक मंच पे आने, नहीं तो दुश्मन जिस प्रकार से संविधान को वो बोल रहा है कि वर्ण व्यवस्था पर हम संविधान लागू करने जा रहे हैं, संविधान को खत्म करने जा रहे हैं, तो अभी आने वाले समय में विद्यार्थी ही आज के समय के जो विद्यार्थी युवा है यही देश को संचालित करने का भी काम करेगा। तो हमारे महापुरुषों से सीखने की जरूरत है, हमारे खिलाफ दुश्मन जो भी षड्यंत्र रच रहा है उस षड्यंत्र को समझ करके हमको एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है, इसमें सभी साथियों को ऐसा काम करना चाहिए, यही आज का संदेश हमारे समाज। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।